हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रिप इलेक्ट्रिक बोर्ड के वायरिंग के बारे में सिखाने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने घर का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके वायरिंग कर सकेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। ये जो इस वक्त आप मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड की शीट देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने दो स्विच बटन, तीन साकर और एक लैंप होल्डर लगाया हुआ है। तो गाइस, एक स्विच बटन से हम तीन साकर को, दूसरे से हम लैंप होल्डर को कंट्रोल करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये देख सकते हैं, ये दो स्विच बटन, ये तीन सॉकेट हैं। तो गाइस, मैं सिंपली से एक वायर लेता हूँ और मैं इतने सादा तरीके से इसको आपको समझाने वाला हूँ कि इसको देखने के बाद कोई नाड़ी से नाड़ी शख्स भी अपनी वायरिंग खुद कर सकता है। तो गाइस, ये मैंने एक वायर ले ली है, इसको मैं तीन सॉकेट जो हमारे पास इनके एक एक सिरे को और साथ एक स्विच बटन को कनेक्ट कर दूँगा। तो गाइस, ये देखे मैंने इसको तीन सिरे जो इनके साबुन के एक सिरा जो है उनको मैंने एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया, साथ में स्विच बटन जो है मैं उसका भी एक सिरा साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सादा तरीके से मैंने एक ही वायर यूज़ की है। आप देखेंगे एक ही वायर के साथ मैंने तकरीबन आधे कनेक्शन कवर कर दिए। बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ आपको। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने एक वायर यूज़ की है साकड़ के, जो एक टर्मिनल मैंने तीनों को आपस में कनेक्ट करके साथ एक स्विच बटन का टर्मिनल भी कनेक्ट कर दिया। तो गाइस, ऐसे ही मैं एक और वायर लेता हूँ, उस वायर के साथ मैं ये साकड़ के दूसरे सिरे हैं उन तीनों को कनेक्ट करूँगा। साथ मैं इस लैंप होल्डर की, ये हमने न्यूट्रल बनानी है, तीनों एक एक सिरे पर हम न्यूट्रल देंगे, साथ लैंप होल्डर को भी यहीं से न्यूट्रल दे देंगे। तो गाइस, इसको मैं सिंपल से ऐसे करता हूँ आपके सामने। ये वायर लगाने के बाद करीबन हमारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोई भी मुश्किल कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सादा तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर। वैसे आप देखें कि मैंने सिर्फ दो वायर कनेक्ट किए हैं और हमारी साकर्स के कनेक्शन और एक लैंप होल्डर को जो हमने न्यूट्रल देनी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ सादा से सिंपल तरीके से। तो अब देख रहे हैं कि मैंने एक स्विच बटन से कनेक्शन दिया, साथ तीन साकड़ों को कनेक्शन दिए, यहाँ से हम फेज देंगे, फेज आएगा और ये न्यूट्रल को मैंने तीनों कनेक्शन साकड़ से और साथ लैंप होल्डर के भी कवर कर दिए। वही ऐसे ही मैंने एक और वायर ली, ये इस वायर को हम लैंप होल्डर का जो दूसरा सिरा है यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। और साथ ही गाइस, इसको इस वायर का दूसरा सिरा हम जो हमारे पास दूसरा स्विच बटन बचा हुआ है इसके दूसरे सिरे में हम लगा देंगे। जैसे हम इस बटन को पुश करेंगे तो हमारा ये लैंप होल्डर ऑन हो जाएगा और दूसरे बटन से हम इस साकेट को कंट्रोल करेंगे। गाइस, तकरीबन हमारे जो कनेक्शन है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ हमने मेन सप्लाई देनी है इनको। दो वायरें तीन मैंने यूज़ की हैं और तीन साकेट और एक लैंप होल्डर को मैंने कंट्रोल कर दिया है। गाइस, हम फेज के लिए रेड वायर को यूज़ करेंगे, जो हमने फेज देना है 220। तो देखें जो बटन का एक सिरा बचा हुआ है वहाँ पे मैं फेज गुजार दूँगा। तो मैंने ये फेज तो कैसे यहाँ से कर रहा हूँ, गाइस आप देख सकते हैं कि एक ही तार के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। दोनों जो हमारे कनेक्शन है वो इस वायर के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब मैं एक न्यूट्रल वायर लेता हूँ, न्यूट्रल वायर को मैं जो साकेट के दूसरे सिरे और लैंप होल्डर को लगाइए इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो हमारी न्यूट्रल भी क्लियर हो जाएगी। फेज तो मैंने दे दिया है, तो सिंपल से गाइस मैंने यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा न्यूट्रल और फेज मैंने स्विच बटन के दूसरे सिरों को इकट्ठा दे दिए। स्विच बटन को ऑन करूंगा तो मेरा फेज लैंप होल्डर के अंदर चला जाएगा, दूसरे स्विच से साकेट के अंदर, और न्यूट्रल यहाँ से साकेट के अंदर सीधी चली जाएगी। तो क्या इसको हम चला कर चेक करते हैं आप। तो लैंप होल्डर के अंदर मैं एक लैंप लगा लेता हूँ,
तो गाइस यहाँ पे मैंने लैंप लगा लिया और इसको मैं 220 जैसे सप्लाई दूंगा तो आपके सामने आप चेक कर लेना। आपके सामने इसको ऑन करके दिखाता हूँ, मैंने जैसे स्विच ऑन किया तो हमारा लैंप ऑन हो गया। तो दूसरे स्विच के साथ हमारी ये 3 सॉकेट्स हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ, इस स्विच को ऑन करता हूँ, तो हम इसको भी चला कर चेक कर लेते हैं कि हमारी ये सॉकेट्स जो 3 सॉकेट्स हैं ये भी काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो गाइस मैं जस्ट यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखें ये हमारा लैंप होल्डर ऑन हो गया, दूसरी सॉकेट से भी ये ऑन हो गया और तीसरी के भी लगा कर दिखाता हूँ ये ऑन हो चुका है। तो जैसे ही हमने ये देखें हमारा चल रहा है, तो मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल ज़बर तरीके से ये काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।